कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का असर मंगलवार को भी देखने को मिला, जहां शासन द्वारा शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं गोलघर की दुकानें बंद दिखी तथा सड़कों पर वाहनों का आवागमन जारी रहा, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है, जिसके लिए 28 जगहों पर बैरियर लगाए गए हैं। एसपी सिटी ने जनता से अपील किया कि शाम 7 बजे तक अपनी दुकानों को बंद करके घर के लिए चले जाएं। जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है तथा चालान कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए रात में 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का पालन करना है, इसके लिए 28 जगह चेकिंग बैरियर लगाए गए हैं और साथ में हमने 10 और बैरियर लगाए हैं, टोटल 41 बैरियर हैं, ट्रैफिक डिवीजन के बैरियर 10 लगाए गए हैं। और जनता से ये अपील है कि अपने दुकानें अपने जो भी कार्य हैं उनको समाप्त करके 7 बजे तक अपने घरों में पहुँच जाएँ, ताकि 7 बजे से पूरी तरह कर्फ्यू लागू हो जाए। सर अभी लोग देखिए मास्क के चलान की कार्रवाई की जा रही है और जो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको समझाया जा रहा है, उनके चालान किए जा रहे हैं और जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों की सीजर की कार्रवाई हो रही है, चालान की कार्रवाई की जा रही है।